स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं 12.3 क्वेश्चन नंबर 7 लेट अस स्टार्ट इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 एबीसीडी को सेंटर मान के 4 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं जो 3 सर्कल्स को एक्सटर्नली टच करते हैं और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस आ गया हमारे पास 14/2 7 सेंटीमीटर फॉर द सर्कल क्योंकि सर्कल के लिए ए बी सी डी क्या है सेंटर नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर्स है ये जो मैंने रेड से शेड किए हैं 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर और क्योंकि स्क्वायर है तो एंगल थीटा जो होगा डेट विल बी 90 सो आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर यही क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 पाई एंड रेडियस हमने फाइंड किया 7 सो 14 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 7 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा है फिगर डिपिक्ट्स द रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट सर्कुलर एंड्स आर सेमी सर्कल्स द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर दिस इज 60 मीटर एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड जो ये थिकनेस है ट्रैक में दैट इज 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज ये सेमी सर्कल के केस में डायमीटर है डायमीटर इज 60 मीटर सो रेडियस आ गया 60/2 30 मीटर कैपिटल आर अगर मुझे इस पोर्शन का लेना है तो डेट विल बी स्मॉल आर प्लस थिकनेस 30 प्लस 10 इज थिकनेस सो 40 मीटर फर्स्ट पार्ट में मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज अलोंग इट्स इनर एज इनर एज की अगर मुझे अराउंड डिस्टेंस फाइंड करना है दो तो इसमें लेंथ हो गई और ये दो सेमी सर्कल्स हो गए सो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्योंकि दोनों साइड्स पे सेमी सर्कल है हमारे पास लेंथ इज 106 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर सो सेमी सर्कल की पाई आर 212 पाई और रेडियस कितना है हमारे पास 30 तो ये हमारे पास आया 212 प्लस 44 इंटू 3 1320 अपॉन 7 टेक द एलसीएम 1484 प्लस 1320 यही आया हमारे पास 1484 सो 4 2804 अपॉन 7 मीटर तो दिस इज द डिस्टेंस अराउंड द इनर एज 2804 अपॉन 7 मीटर जो सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रैक वो किसके इक्वल होगा ये एक रेक्टेंगल हो गई अगर हम इसे माने ए बी सी डी ई एफ जी एच मैं दोबारा से यहां पे ड्रॉ कर रही हूं मान लिया हमने ये एक रेक्टेंगल ए बी सी डी ये दूसरी रेक्टेंगल ई एफ जी एच दोनों का एरिया होगा सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल
प्लस टू टाइम्स, ये दो सेमी सर्कल भी हैं दोनों तरफ, टू टाइम एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, बट हमारे पास थिकनेस वाला पोर्शन भी इंक्लूड है इसलिए हमने लिखा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. लेंथ इज 106, ब्रेथ इज 10, दिस थिकनेस इज 10, प्लस पाई 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, 2 इंटू 1060, 22 बाय 7, 1600 माइनस 900, 700, 2120 प्लस 2200. तो क्या आया हमारे पास एरिया 4320 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक 4320 मीटर स्क्वायर. नोट इट डाउन. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9. 9 में हमें क्या गिवन है, हमें एरिया ऑफ शेडेड क्वेश्चन फाइंड करना है और हमें एक स्मॉल सर्कल और ये पोर्शन का एरिया फाइंड करना है. अगर मैं देखूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ये तो हो गई, प्लस अगर ये पूरे सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस किया जाए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यही होगा. एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर. मुझे ओ ए की वैल्यू दी है 7. ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए, ओ डी, सारे रेडियस हैं बड़े सर्कल के, तो स्मॉल सर्कल के केस में जो रेडियस आएगा ओडी बाय 2, 7/2, क्योंकि जो ओडी है बड़े सर्कल का तो रेडियस है लेकिन स्मॉल सर्कल का क्या है, डायमीटर. तो स्मॉल सर्कल के केस में रेडियस आ गया 7/2, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज दिस ए बी, हाइट इज ओ सी, सो पाई रेडियस 7/2 प्लस 1/2 पाई, रेडियस इज 7 बड़े सर्कल के केस में, रेडियस इज 7. नाउ हाफ ए बी कितना होगा, ए बी इज एओ प्लस ओ बी, 7 प्लस 7 14 सेंटीमीटर, सो 14 एंड ओ सी इज 7, यही होगा 77/2 प्लस 77 माइनस 49, 77/2 प्लस 28, 2 3s are 6, 38.5 प्लस 28, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नोट इट डाउन.